बंदे में है दम, अगर दम होता, ये 3-4 चुनाव लगातार हार चुका है, अगर इसमें दम होता, इससे एक मंत्री हमारी यहाँ से सीटी स्कैन की हॉस्पिटल की मशीन ने सारी छीन करके ले गई, तब कहाँ था मंत्री का दम। तो लीडर आपने एक तथ्य बताया जो आपके पोस्ट लगे हुए हैं, बंदे में है दम, कि बंदे में दम कहाँ रहेगा, 3 बार हमने हरा लिया और जो पीजीआई थी वो भी मंत्री जी लागू करवा देते। देखिए ऐसा है आदरणीय साथी, कई बार आदमी बौखला जाता है, बौखला कर वो उलझलूल बयानात करेगा, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, मैं केवल ये कहूँ इस चुनाव में कैथल जीतेगा और कैथल के लोग जीतेंगे, कैथल की तरक्की और विकास जीतेगा, और हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ना केवल इतने बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे कि एक नया रिकॉर्ड स्थापित हो, पर काम तरक्की और विकास का भी एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेंगे, हमारा इतना ही लक्ष्य है। तो आज आरा मशीन और जो टिम्बर मार्केट है उन्होंने समर्थन दिया, कहाँ से? मैं टिम्बर एसोसिएशन के मेरे सब भाइयों का, व्यापारी भाइयों का, साथियों का शुक्रगुजार हूँ, टिम्बर एसोसिएशन में काम करने वाले मेहनतकश मजदूरों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मिलकर ढेर सारा स्नेह और प्रेम दिया। कल आरा एसोसिएशन के साथियों ने भी इसी प्रकार से बुलाया है, कल फिर उनसे भी बैठकर बात करेंगे। आप जब दरवाजे से बाहर के निकलकर दाएं और बाएं देखेंगे तो भाजपा का पानी में बहता हुआ विकास आपको नजर आएगा। ये गड़े और ये पानी में बहता विकास ही जिन्होंने कैथल को 25 साल पीछे लाकर खड़ा कर दिया, इस तस्वीर को हमें बदल कर इसमें रंग भर एक बेहतरीन विकास और तरक्की की इबारत लिखनी है और यही हमारा लक्ष्य है। भाजपा ने एक बार फिर 2019 की तरह विधायक लीला राम प्रताप खेले, कहां थे? देखिए वो किसको चुनेंगे अपने उम्मीदवार के तौर पर वो उनकी मर्जी है, हमारा काम है। 10 साल बीजेपी का राज आपने देख लिया, भ्रष्टाचार, अहंकार और हाहाकार, केवल ये 3 चीजें हैं। तो उन्होंने हरियाणा को गर्त में धकेल दिया, हमारा काम है पहले कैथल का विकास और हरियाणा का साथ साथ। तो लीडर आपने एक तथ्य बताया जो आपके पोस्ट लगे हुए हैं, बंदे में है दम, कि बंदे में दम कहाँ रहेगा, 3 बार हमने हरा लिया और जो पीजीआई थी वो भी मंत्री जी लागू करवा देते। देखिए ऐसा है आदरणीय साथी, कई बार आदमी बौखला जाता है, बौखला कर वो उलझलूल बयानात करेगा, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, मैं केवल ये कहूँ। तो गठबंधन की भी बात चल रही है, कहीं ना कहीं आपसे गठबंधन जो है वो हो सकता है? तो मेरी ये जानकारी में नहीं, क्योंकि इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। रणदीप जी, भाजपा में उठा पटक चल रही है, काफी विकेट जो है वो गिर रही है, टिकटों का मटन हुआ, कई मंत्री कई विधायक नाराज है, इस्तीफा दे चुके, कहाँ देखे? देखिये वैसे तो ये उनका आंतरिक मामला है, पर कोई सरकार इस प्रकार से उसमें विस्फोटक स्थिति मैंने नहीं देखी। आपने देखा कि किस प्रकार से बैकवर्ड क्लास के उनके प्रमुख ने ना केवल इस्तीफा दिया बल्कि संकल्प ले लिया कि हरियाणा में बीसी का कोई आदमी बीजेपी को वोट नहीं देगा। वाल्मीकि समाज के विशंबर दास वाल्मीकि के आंसू रुकते नहीं रोते। इसी प्रकार से व्यापारी समाज से हमारी बहन है कविता जैन जो बीजेपी की नेत्री है, जिस प्रकार से वो फूट फूट कर रोई और जिस प्रकार से व्यापारी समाज के अपमान की उन्होंने बात कही, अपने आप में देखा हर समाज जो के नेतागण जो हैं उनका सम्मान धराशाही किया है। मुझे विश्वास है कि हरियाणा की जनता इसका संज्ञान अवश्य ले। तमाम कैथल के लोग देखते हैं क्या अपील रहने वाली और क्या संदेश आपकी ओर से? मेरा केवल एक ही अपील है, मदद वोट उनको दीजिए जो आपका काम कर सके।